पाकिस्तानी मॉमी नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी मैं करने लगी हूँ सिटिंग को क्लीन, और ये सुबह का मंजर होता होगा जी सभी के घरों में। तो अभी मैं यहाँ पे सफाइयाँ स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कबाब और साथ में फ्रेशली बेक करूँगी नान, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी हल्की फुल्की सी जो है वो क्लीनिंग कर ली जाए आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, खैर अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया है, और मैंने सिर्फ पी थी चाय। हस्बैंड ने बना के दी थी बहुत ही मजेदार सी, वो पी हम लोगों ने, और उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए जॉब पर, और अब मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। ये हो गया जी मेरा सिटिंग का एरिया क्लीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी अपने डाइनिंग टेबल की जानिब, चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ बर्तन ये कल के पड़े हुए हैं और कुछ आज के हैं। कल रात को हमने खाया था पोरिज, और आप सबके भी यही रूटीन होती होगी क्लीनिंग की जैसे कि मेरी है। हाँ जी, और बताइए कि किस किस का शौक है मेरी तरह फूल जो है जो आपको गुलदस्ता मिलता है उसको संभाल के रखने का? मुझे है, और ये बहुत खूबसूरत फूल मुझे अपनी शादी के सालगिरह में मिले थे, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि इनको फेंका जाए, तो मैं इनको सुखा रही हूँ। और आप में से कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले तो मैं हर बहुत ज्यादा करती थी, अब मैंने बहुत कम कर दिया। अब सिर्फ जो है कोई स्पेशल ओकेशन हो तो तभी मैं वो संभाल के रखती हूँ, वरना अब फेंक देती हूँ। और आपको एक आइडिया देती हूँ, मैं जो है लेके आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए फूल जो कि मैंने उनको दिए थे उनके उनकी अब मुझे याद नहीं यार किसी ओकेजन पे दिए थे, यानी कि मैं लेके आई हूँ प्लास्टिक के रोजेस का एक बुके सा, और वो मुझे जो है अब काम आ जाता है। हर दफा मैं उनको वही दे देती हूँ, बल्कि देने की जरूरत नहीं है, वो मैंने सिटिंग में रखा हुआ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे उससे ये फायदा हो गया कि मुझे बार बार जो है पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते और संभालने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे। और ये बहुत ही खूबसूरत हो गया क्लीन हमारा टाइनिंग। तो ये है वो फूल जो मुझे शादी की सालगिरह पे मिले हैं, इनको मैं संभाल के रख रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। उसके अलावा ये बताइएगा कि आप में से किस किस को टिशू का शौक है। मुझे टिशू लेने का बहुत शौक है, तो जब भी मैं जाती हूँ बाजार तो टिशू लाजमी आते हैं, कैंडल्स आती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको
टेबल पे रखना। डिफरेंट जो पैटर्न्स वगैरह बने होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। और ये आगे जी हमारी कैंडल, और आपकी जब साफ सफाई हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है, हर चीज समेटा सा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर यही दोबारा ऐसे ही हो जाता है। लेकिन सुबह का काम आपको पता है कि ये हमारा लाजमी होता है करना। ये हो गया जी हमारा डाइनिंग भी क्लीन, और वो रहा जी सिटिंग माशाल्लाह से। और अब चलते हैं जी किचन की तरफ। और जी ये हालात है किचन के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा मैसी नहीं है, क्योंकि रात को मैंने जो है साफ़ सफाई कर ली थी। तो अभी जो सबसे पहले हम काम करेंगे वो ये है कि डिश वॉशर को जो है खाली करेंगे, क्योंकि रात को ही मैंने सारे बर्तन वगैरह जो है वो धो दिए थे। तो अब इनका समेटा कर लेंगे। और ये फ़ायदा आपको होता है डिश वॉशर का कि आपकी हर चीज़ जो है धुली हुई आपको मिलती है, और जल्दी से आपके जो सारे काम वह हो जाते हैं। और रात को मैंने डिश वॉशर जो है वो लगा दी थी, और सारे बर्तन मेरे जो हैं धुले हुए हैं। अभी अभी हम इनको कैबिनेट में जो है सेट करते हैं। और कल जैसे कि आपको जिसने मेरी स्टोरी देखी होगी, तो कल हमने बहुत ही मजे का जो है मैंगो शेक बनाया था। मैं लेके आई थी मैंगो पल्प लेके आए थे, और साथ में जो है मैंने बीच में डाला था एक मैंगो पल्प था, मेरे ख्याल में 400 ग्राम का शायद होगा, मेरा गलत ना अगर आपको बताऊँ 400 या 450 कुछ ऐसे ही था। और बीच में मैंने 2 टेबल स्पून डाली थी योगर्ट की, और एक टेबल स्पून जो है वो मैंने डाला था जो है चीनी का, और दूध डाला था और पानी। और यकीन करें कि इतना मजे का बना, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बाजारी स्टाइल का बना था, क्योंकि अमूमन जो है योगर्ट नहीं डालती हूँ मैं, सिर्फ जो है दूध ही बनाती हूँ। सिर्फ जो कमी रह गई थी बस सिर्फ वो थी आइस क्यूब्स की, तो उसके अलावा जो बहुत मजे का बना जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आपको नजर आ जाते इतने ज्यादा बर्तन नहीं थे, वॉश करने वाले, क्योंकि मैंने 2 दफा मशीन लगाई थी तो ज्यादा बर्तन नहीं थे। और यही आपको सहूलत हो जाती है कि जब थोड़े थोड़े आपके बर्तन हो तो आप साथ साथ ही उनको जो है डिश वॉशर में लगा दें। और आपको दिखाती हूँ, आसानी से हर चीज की अपनी अपनी जगह है। बस सारा दिन फिर इसमें लगते रहेंगे बर्तन जो इस्तेमाल होते रहेंगे। और ये हो गया जी मेरा किचन क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है, और तकरीबन सारे काम हो गए जी मुकम्मल। अब रहता है बेडरूम मेरा और बच्चों का बेडरूम, फिर उसके बाद मैं करूँगी ब्रंच, और फिर 12 बजे के करीब मैं स्टार्ट करूँगी अपना बनाना जो है डिनर। और मौसम हो रहा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, और मेरे ख्याल में -5 है टेम्परेचर, और बहुत ही खूबसूरत मौसम है।
अल्हम्दुलिल्लाह। एक मशीन जो है कपड़ों की वो मैं लगा चुकी हूँ, ये दूसरी रेडी है, ये नीचे से भी आई है, हस्बैंड ऊपर रख के हैं कि मेरा काम और बढ़ाने के लिए नहीं, मजाक करी हुई है, आपको पता है कि रोज़ का काम है। तो अभी जो है मैं मशीन भी लगा लूँगी दूसरी, पहली एक मैंने लगाई है ब्लैंकेट्स की, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मेरे सोफे पे कोई भी ब्लैंकेट्स नहीं है क्योंकि वो मैंने सारे धो दिए हैं। तो अभी जो है मैं करूँगी क्लीन बच्चों का बेडरूम, जो कि इतना ज़्यादा मैसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चों ने जो है अपना साफ़ सफाई की हुई है। बस थोड़ा सा मैं जो इनके बिस्तर सीधे करूँगी, तो फिर मिलते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये हो गई जी हमारी क्लीनिंग आज। तो मैंने सारा रूम बच्चों का जो है वह कर दिया है क्लीन, और ये देखिए जी माशाल्लाह कमरा हो गया है क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हसीन मौसम, मैंने कहा आज सारे जो है हैंडल्स वगैरह भी जो है दरवाज़ों के उनको भी क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं किया। और आपको पता है कि अभी भी जो सेफ्टी जो है अपनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। चलिए जी लास्ट में आती है मोपिंग की बारी, वो करके अब हम फारिग करते हैं। ऐसे तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है तो साफ़ सफाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर सिटिंग में, क्योंकि कोई भी जूता जो है वो ऊपर नहीं आता। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो हमारे सीढ़ियों में भी मैट हैं, तो किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो जो है ऊपर लेके आए जूते। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साफ़ सफाई होती है ऊपर, कोई गंद नहीं होता। तो जूतों के बगैर ही हम लोग चलते हैं मोस्टली। अब मैंने आज ये पहने हुए हैं घर में पहने के लिए, घर से गर्म है तो वरना ज़रूरत नहीं होती आपको, क्योंकि ऊपर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल भी कोई डस्ट वगैरह या कोई भी गंद नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हमें कि आपके पैर गंदे होंगे या नापाक होंगे, क्योंकि साफ़ सफाई जो है वो होती रहती है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो मेरा इतना गंदा होता ही नहीं है, इसीलिए मैं वो सेम मॉप जो है लास्ट में किचन में भी मार लूँगी, क्योंकि मेरा इतना गंदा था ही नहीं सिटिंग, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही हस्बैंड ने जो है क्लीन किया था। तो इसलिए जो है बस हल्का सा हम अपने मॉपिंग कर लेंगे यहाँ की भी, और बस फिर हो गया जी हमारा क्लीनिंग का काम फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें कि जब ये काम आपका ख़त्म हो जाता है तो आप बिल्कुल में फ्री हो जाते हैं, यानी कि फ्री से मुराद ये कि आधा काम आपका हो जाता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है तो मैं जो है काफ़ी जल्दी अपना डिनर बना लेती हूँ, तो अभी भी जैसे कि आप लोगों को पता है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अभी मेरी सांस फूल रही है, काफ़ी सारा काम कर लिया अब, और अब मैं करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार सा ब्रंच, और फिर उसके बाद मिलेंगे जब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी कुकिंग। और ये देखिए जी खूबसूरत सा मौसम अल्हम्दुलिल्लाह।